राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। मैं सन्नू फिर आ गई हूँ आपके साथ एक न्यू वीडियो के साथ। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मेरे सुबह के 6:30 बजे से, और मैं घर जा रही हूँ छप्पर से। तो गाइस, सुबह बारिश लगी थी हल्की हल्की, लेकिन रात में इतनी सारी बारिश आई ना कि क्या बोले, वो तो छप्पर आने के लिए ना हल्की हल्की लगी थी। तो मैं फटाफट से आ गई थी। डुगू सो रखा था उस टाइम पे, तो उठ गया होगा ना अभी। तो दिखा देती हूँ दोस्तों आपको आज का मौसम कि कैसा हो रखा है। तो गाइस, सासू जी जा रहे हैं आज नारायणबागर, क्योंकि वहाँ उनकी है मीटिंग, जो त्रैमासिक बैठक होती है, तो वो है। और मैं जा रही हूँ इसलिए फटाफट, क्योंकि उनको बहुत सारा काम होता है ना कागज पत्रों का। तो देखिए दोस्तों, और बने रहिए गाइस। और बज चुके हैं और अब मैं खाना बनाने के लिए जाती हूँ। अब खाना बनाएंगे। मिड्डू को क्या खाएगी? मिड्डू को क्या खा रही? तो वो खाएगा चौकेस, चौकोस खाएगा वो, चौकोस जा खा। तो गाइस आज मैं घर ही पर हूँ। सुबह से 1:30 बज चुके हैं और हमारा खाना भी हो गया है। मैंने एक संगेरी घास की बना रखी थी। मैंने सोचा कि अभी जाऊंगी मैं छप्पर को, तो जो मंडवा हमने कल निकाला था तो थोड़ा सा लगाने के लिए रह रखा था। ये देखो, इस कंडे में रख रखा मैंने ऊपर से। तो मैंने सोचा मैं अभी लगाऊंगी, पर अभी इतनी भयंकर बारिश लग गई ना। ये देखो, क्या बताएं, आजकल का मौसम ना कुछ पता नहीं चलता का समय। जो लोनावला हादसा हुआ था उस डैम का, मतलब उस डैम में जो परिवार बही थे, तो ऐसा ही हुआ होगा ना कि उन्हें भी क्या पता था कि अभी ऐसा हो जाएगा ना मौसम। लेकिन आजकल का जो मौसम है ना, उसका कुछ पता नहीं चलता है। तो गाइज, मेरी तो यही उम्मीद है आप लोगों से कि आप चाहे जहाँ भी रहो, लेकिन सतर्क रहो और सावधान रहो कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी ऐसा नहीं है कि हम पहाड़ों में हैं या यहाँ पर है तो हमें कुछ नहीं होगा। हो सकता है गाइज, पत्थर गिरते हैं, भूस्खलन होता है, बाढ़ तो चलो यहाँ नहीं आती है, पर फिर भी क्या पता ना कुदरत कब क्या कर दे, कुछ पता नहीं है। बाढ़, ये पहाड़ी तो है केदारनाथ में, आपने देखा होगा कि 2013 में कितनी भयंकर आपदा आई थी ना। तो ऐसे ही जो नदी नाले हैं, नहीं जाना चाहिए वहाँ, बहुत खतरनाक होता है। तो सब लोग बोल रहे हैं ना कि नोलावना में थे 9 लोग थे वो नदी में, तो 5 लोगों के जो शव थे वो तो मिल गए थे, मतलब कि बोल ही रहे हैं, पर 3ों का अभी तक मुझे पता ही नहीं चला कि हुआ क्या है। शायद 3 पहले मिल गए होंगे या नहीं मिले होंगे। तो न्यूज़ तो आप लोग डेली देख रहे होंगे, तो वो देखते रहिए दोस्तों, और सतर्क रहिए इस बारिश से। और क्या बोल सकते हैं ना, हम तो बस बोल ही सकते हैं, जिस पे गुजरी होगी वही समझ सकता है कि क्या हुआ होगा। तो अभी मैं ये पीना वगैरह है तो इसको यहाँ इस पे रख देती हूँ, फिर बाद में जाने के लिए फटक से होगा अगर थोड़ा मौसम ठीक ठाक होगा तो। अभी जाती हूँ मैं थोड़ा डुगू के साथ, फिर मिलती हूँ आप लोगों को। तो गाइस, 2:30 बज चुके हैं और मैं जा रही हूँ छप्पर को। ये देखो, इसमें आधा मंडवा भी है जो निकाल रखा था। तो बारिश अभी थोड़ा बहुत ठीक है, मतलब कि नहीं आ रही है, तो देखते हैं ऊपर जाके भैंसों को पानी वगैरह पिला के आऊंगी खेत में, क्या क्या होता है। मिलती हूँ आपको सीधे छप्पर पे। तो गाइस, 3 बज चुके हैं और मैंने भैंसों को पानी वगैरह पिला दिया है और अभी मैं बैठी हूँ। बाप रे, इतनी भयंकर बारिश लगी ना, मैं वहाँ पर से ऊपर को आई ना, थोड़ी ऊपर तक ठीक था, उसके बाद इतनी भयंकर बारिश लग गई। मेरा यहाँ आने का फायदा ही क्या हुआ यार। गाइस, मैं तो परेशान हो गई इस बारिश की वजह से, हट, दिमाग खराब हो गया मेरा। तो अभी गोबर वगैरह निकालना है।
गोबर वगैरह निकालना है मैंने अभी। आज मेरे हाथ देखो कितने सुंदर दिखाई दे रहे हैं ना बारिश की वजह से, ये तो गोबर लग गया हाथ पे पर। और ये रहे हमारे भैंस, सर पे देखो इसने धो के लेके आए मैं इसको, देखो सर। और बारिश देखो, मौसम देखो। और अकेली हूँ मैं अभी यहाँ, तो करती हूँ थोड़ा काम, फिर मिलती हूँ आपको। तो गाइस अभी मैंने गोबर निकाल के भी साफ कर दिया है, ये साफ सफाई भी हो गई मेरी। और भैंस को मैंने थोड़ा घास दे रखा है, देखती हूँ गाइस क्या होता है इस बारिश का। तो गाइस लोनावला वाले हादसे से हमें बहुत ही बड़ी सीख मिलती है कि सतर्क रहें, सावधान रहें और अपना ध्यान रखें। अपने परिवार को ऐसे डेंजरस जगह पे कभी ना ले जाएं गाइस, तो मैं तो यही बोलूँगी। और बारिश बाप रे इतने भयंकर हो रही कि मैं भी क्या बोलूँ। अभी मैं जस्ट बैठी हूँ यहाँ पे, तो देखती हूँ अब थोड़ा हल्का ठीक हो रहा है तो जो मैंने निकाल रखा था तो उसकी रुपाई कर दूँगी, तो फिर आ जाऊँगी और फिर ऊपर। तो बाकी क्या है गाइस, आज की वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आए हो, वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जो चैनल पे नए हैं ना सब्सक्राइब भी कर दें दोस्तों। तो तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, बाय बाय।